हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन का रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास है जेम ब्लू बायो केयर का सन कोट सनस्क्रीन क्रीम विथ एसपीएफ 60, और ये है एंटी एजिंग सनस्क्रीन। प्रोटेक्शन यूवीए और यूवीबी से आपको देता है। यह है नॉन ग्रीसी, वाटर रेजिस्टेंस, हाई प्रोटेक्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। और इसका नेट वेट है 200 ml, और इसकी जो प्राइस है वो है 190 rupees, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है सनस्क्रीन के लिए। इसमें पीछे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह और डायरेक्शन को यूज़ दे रखा है। सो ये कुछ इस तरीके से ट्यूब फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल सी है, ना ही ज़्यादा थिन है, क्योंकि ये लोशन नहीं है तो ये ज़्यादा थिन नहीं है। और ये क्रीम है, लेकिन कोई कोई क्रीम काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, इजीली ये सब जगह स्प्रेड हो रहा है। सनस्क्रीन में यही है कि अगर आप जैसे ही इसे लेते हैं तो फटाफट से आपको लगाना होता है, अदरवाइज़ वो पैचेस छोड़ देता है। तो हम इसे एक बार जल्दी से लगा लेते हैं। ये ड्राई स्किन वालों के लिए इतना सूटेबल नहीं है, ऑयली स्किन वाले इसे आराम से लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद जो सनस्क्रीन यूजुअली वाइट टोन जो छोड़ती है, एक वो उस तरह से ये छोड़ता है। ये भी आप देख सकते हैं डिफरेंस, इसमें थोड़ा सा एक वाइटनेस, एक ब्राइट टोन मिलता है। यूजुअली जो सनस्क्रीन होती है तो उसमें जो सनस्क्रीन लोशन होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है, और सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए सूटेबल होती है। तो ये थोड़ा सा ड्राई करता है स्किन को, ये नॉन ग्रीजी है। तो जिनकी भी स्किन ड्राई है तो मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करूँगी ये, क्योंकि ड्राई स्किन पर ये थोड़े क्रीजेस छोड़ देता है और पैचेस भी छोड़ देता है। तो इसलिए अगर जिनकी स्किन ऑयली है तो वो इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और जिनकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो गर्मियों के टाइम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल है, और तो मैं इसे सर्दियों में बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। सर्दी पे यूज़ करने पे पैचेस हो जाते हैं, वाइट और क्रीजेस वगैरह हो जाते हैं स्किन पे, और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई होकर निकलने लग जाती है। और गर्मियों के टाइम पे ये काफ़ी सही रहती है, गर्मियों में ये अच्छे से मेरे फेस पर स्टेबल रहती है काफ़ी टाइम तक, और मुझे एक टिंट भी देती है, थोड़ा सा वाइट टिंट। तो मुझे ये काफ़ी सही लगी है गर्मियों में यूज़ करने के हिसाब से। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या तो आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है तो आप इसे गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है 200 ml, और इसकी प्राइस है 190 rupees। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, बहुत ही बजट फ्रेंडली, क्योंकि ये सनस्क्रीन है, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस काफ़ी सही है, तो मुझे ये पसंद आया। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।